दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे इस विध्वंसक युद्ध में पूरी दुनिया जहां दो खेमों में बटी हुई है, वहीं भारत ने किसी तरह से रशिया और अमेरिका दोनों तरफ संतुलन बनाया हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक भारत इसे मैनेज कर पाएगा। वेस्टर्न कंट्री और अमेरिका की नाराजगी भारत के प्रति बढ़ती जा रही है। एक तरफ अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी सहित आधी से ज्यादा दुनिया है, तो दूसरी तरफ रशिया है जो बेहद पुराना दोस्त है और हमेशा हमारी मदद करने वाला साथी है। वहीं उसके हमारे दुश्मन नंबर एक चाइना से भी रिश्ते काफी अच्छे हैं। कल क्वाड की मीटिंग हुई थी जिसमें बाइडेन द्वारा मोदी पर दबाव बनाया गया था, मगर भारत ने एक बार फिर से अमेरिका को बड़ा झटका दिया। इस पर हम बात करेंगे। साथ ही रशियन आर्मी द्वारा पकड़े गए यूक्रेनी सैनिकों की वीडियो भी सामने आई है, जिस पर वेस्टर्न मीडिया ने तो आंखें बंद कर रखी है, लेकिन हम आपको वो वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले जानते हैं कि क्वाड मीटिंग से क्या संदेश दिया गया, साथ ही भारत का क्या रुख रहा है। दरअसल दोस्तों ऐसा माना जा रहा था कि भारत ने यूएन में तो रशिया को कंडेम करने से मना कर दिया था, लेकिन जब क्वाड की मीटिंग होगी तब भारत के लिए इससे बचना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से एक जॉइंट स्टेटमेंट आता जिससे रशिया पर दबाव बनाया जाता। यूं तो क्वाड की मीटिंग अटेंड करने के लिए नरेंद्र मोदी को जापान जाना है, हालांकि अभी इसकी डेट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन कल एक वर्चुअल मीटिंग क्वाड की बुलाई गई है जिसमें बाइडेन, मोदी सहित जापान और ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी मौजूद रहे। बाइडेन द्वारा बुलाई गई इस मीटिंग का उद्देश्य रूस को कड़ा जवाब देना था, जिससे उसे पूरी तरह से आइसोलेट किया जा सके। लेकिन इस मीटिंग से यह बिल्कुल साफ हो गया कि भारत क्वाड का इस्तेमाल रशिया के खिलाफ नहीं होने देगा, यानी क्वाड में ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं होगी जिससे रशिया का नुकसान हो और हमारे रशिया से रिश्ते खराब हो। अमेरिका चाहता था और 3 दिन से क्वाड की वर्चुअल मीटिंग बुलाना चाहता था जिससे कड़ा जवाब रूस को दिया जाए, लेकिन अमेरिका की सारी उम्मीदों पर भारत ने पानी फेर दिया और अकेले ही क्वाड देशों से रशिया के लिए लड़ गया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये तीनों देश रशिया के विरोध में खड़े हुए हैं। ऐसे में अमेरिका क्वाड की जॉइंट स्टेटमेंट में यूक्रेन और रशिया के टॉपिक को भी मेंशन करने की कोशिश कर रहा था। वहीं रशिया पर आरोप लगाया जाए कि वो मिलिट्री ऑपरेशन नहीं बल्कि यूक्रेन पर इन्वेड कर रहा है, वहीं सिविलियन को भी रूस द्वारा टारगेट किया जा रहा है। और आखिरी में जॉइंट स्टेटमेंट आई, उसमें ये बात मेंशन नहीं थी, भारत ने वही बात इसमें ऐड करवाई जो यूएन में वो बोलता आया है, यानी कि बातचीत से मसले को सुलझाया जाए। क्वाड में भारत की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी भारत पर दबाव नहीं बना पाए। क्वाड में दोस्तों भारत केवल अपने हितों के लिए है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि इसके माध्यम से भारत को रूस से अलग कर दिया जाए। अमेरिका पहले ही नाटो का इस्तेमाल इसके लिए करता है, यही कारण है कि क्वाड में अमेरिका चाहता था कि मिलिट्री को भी ऐड किया जाए, जैसे कि नाटो में शामिल है। इससे कोई भी देश क्वाड के किसी भी देश पर हमला करता तो चारों देश उस पर अटैक करते, ये सुनने में काफी अच्छा है, लेकिन भारत क्योंकि समझदार है उसने अमेरिका का यह प्रस्ताव ठुकरा दिया था और मिलिट्री को इससे दूर रखा, क्योंकि जापान की सुरक्षा की गारंटी खुद अमेरिका ने ले रखी है, ऑस्ट्रेलिया इतना ताकतवर नहीं है, बचा भारत और हमारे सैनिकों को दूसरे देशों की सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवानी पड़ती और रूस और चाइना बिल्कुल हमारे अगेंस्ट हो जाते। वहीं अमेरिका का दोगलापन यूक्रेन में दिख गया, जहां युद्ध करा के वो पतली गली से निकल गया। दूसरी तरफ भारत को चाहिए यूएन में स्थायी सदस्यता, जिसके लिए सभी 5 देशों को एक पेज पर लाना होगा। इसमें फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस और चाइना शामिल है। फिलहाल की स्थिति में हमारे सभी से रिश्ते अच्छे हैं सिवाय चाइना के, लेकिन आगे चलकर यूएन के परमानेंट सीट भारत को मिल सकती है, जिस वजह से भारत किसी खेमे में नहीं रहना चाहता। वहीं दोस्तों कल जैसा कि मैंने आपको वेस्टर्न मीडिया के प्रोपोगंडा के बारे में बताया था कि किस तरह से वो सिर्फ एक ही पहलू को दिखा रहा है, रशिया और यूक्रेन के युद्ध का, और यूक्रेन को महान बताने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो खाली नाटो और अमेरिका द्वारा दी गई लॉलीपॉप के चक्कर में आकर यूक्रेन रशिया से भिड़ गया है। वहीं मदद के नाम पर नाटो और अमेरिका ने कन्नी काट ली, वहीं वेस्टर्न मीडिया द्वारा रूसी सेना को क्रूर दिखाया जा रहा है, जबकि सारी अच्छाइयां यूक्रेन के सैनिकों की दिखाई जा रही है। लेकिन अब आपको मैं रूसी सेना की ऐसी तस्वीरें दिखाता हूं जो यकीनन आपको हैरान कर देगी। जैसा कि इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यूक्रेन के पकड़े गए सैनिकों से रूसी सेना द्वारा दुश्मन जैसा नहीं बल्कि एक मानवता का परिचय देते हुए यूक्रेन के सैनिकों को न केवल टेबल पर बैठाकर खाना खिलाया जा रहा है, जबकि उनके परिवारों से बात भी कराई जा रही है। इसके अलावा इनको आश्वासन भी दिया जा रहा है कि इनके साथ कुछ बुरा नहीं किया जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें वेस्टर्न मीडिया द्वारा नहीं दिखाई जा रही, यहाँ तक कि हमारी मीडिया में भी ये तस्वीरें नहीं दिखाई जा रही। इस समय वेस्टर्न मीडिया द्वारा केवल यूक्रेन के सैनिकों की ही तस्वीर दिखाई जा रही है, उनके लिए सहानुभूति बटोरी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ यह भी दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है कि हमने 6,500 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया है। वहीं नाटो देशों ने यूक्रेन को नाटो में शामिल करने के लिए हाँ या ना में अभी तक जवाब नहीं दिया, यानी कि वो चाहते हैं कि यूक्रेन और रूस ऐसे ही उलझे रहें। यहाँ दोस्तों मैं साफ कर दूं कि मैं कोई रशिया के पक्ष में नहीं हूँ, बल्कि सिविलियन को मारा जाना बिल्कुल गलत है और ये युद्ध रुकना चाहिए। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि वेस्ट द्वारा रूस को फंसाया भी जा रहा है। रूस, नाटो और यूक्रेन में से आप किसे इस युद्ध का जिम्मेदार समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।
ही, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे डिफेंस से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।